रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो एक महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है, एक दिन पहले आप उसको रख लो संजोकर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है।